जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे दोस्त का आईडी बैन हो चुका है। और क्या रीज़न से बैन हुआ है और आपको वो चीज़ करना है कि नहीं करना, तो मैं इस वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप थोड़ी भी स्किप करते हो, मतलब वीडियो थोड़ा भी आगे होके बढ़ाते हो, तो आपको आपका ही नुकसान है, उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो जो भी इसका रीज़न है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस वजह से इसका आईडी बैन हुआ। और रैंक पुश कर रहा था ये बेचारा कॉन्करर के लिए, तो क्या सीन हुआ कि रैंडम में इसके कम से कम 4-5 मैच में रैंडम खेला, जिसमें कि हैकर आए थे। तो आप जानते हो कि कॉन्करर लॉबी में हैकर आना आम बात है, तो इसने थोड़ा लालच दिखाया, हैकर के साथ खेल लिया, तो उसकी वजह से इसका आईडी बैन हो गया। पर हैकर का आईडी बैन नहीं हुआ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत से अपना रैंक पुश कर रहे हो और थोड़े से पॉइंट के लिए अगर आप हैकर के साथ खेलते हो तो ना खेलो, और अगर आपको रैंडम खेलते हो तो रैंडम हो सके तो कम खेलो, या तो सोलो, मतलब सोलो वर्सेस डुओ, या जिसमें भी आप पुश कर रहे हो तो सोलो चले जाओ, जिससे आपका आईडी बचा रहेगा। और अगर आप टीम के साथ खेलना चाहते हो रैंडम लेके, तो आप देख लो पहले लॉबी में कि हाँ भाई वो हैकर है या नहीं, तो अगर हैकर हो तो आप निकल जाना, वरना आपका आईडी हो सकता है बैन। तो उसी तरह पिछले सीजन मैं भी कॉन्करर पुश कर रहा था, तो मेरे को 200 पॉइंट चाहिए थे कॉन्करर के लिए, तो मेरा आईडी बैन हो गया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरा आईडी खोल के, कि अभी मैं सोलो में ब्रॉन्ज पे ही हूँ, और डुओ में तो थोड़ा मैं पुश किया हूँ तो सिल्वर तक आया हूँ, और स्क्वाड में भी अभी शायद प्लेटिनम पे ही हूँ मैं। तो मेरा भी सीन कुछ ये था। तो रीज़न क्या था मेरा कि जब मेरा आईडी बैन हुआ था, तो उसमें बता रहा था कि आपने मतलब अपने टायर को बूस्ट करने के लिए हैकर के साथ टीम अप किया है, जबकि वो टीम अप नहीं था, वो गलती से रैंडम में लग गए थे, जिसकी वजह से मेरा आईडी बैन हो गया था। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप थोड़े से पॉइंट के लिए हैकर के साथ ना खेलो, वरना देखो इस सीज़न का तो मेहनत जाएगा ही जाएगा, अगले पिछले सीज़न जितना भी आप पुश कियो सारा मतलब मेहनत चला जाएगा। तो हो सके तो अपना देख के खेलो, ताकि मेहनत भी पानी में ना जाए। तो जब मेरा आईडी बैन हुआ था तो भाई साहब बहुत ही गुस्सा आया था, लंबे लंबे एल लग गए थे, तो अब एल का मतलब पता ही होगा, तो मैं खुल के नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि आप सेफ खेलो, जिससे आपका आईडी बचा रहे। तो आज के वीडियो में बस यही बताना था। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय और ध्यान रखो।